नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे बात किया था YouTube में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के बारे में। आप अगर एक डिजिटल कंटेनर हो या YouTube में आपका चैनल है, आप वीडियो बनाते हो, तो आपको जरूरत पड़ती है कॉपीराइट म्यूजिक की, क्योंकि आपको कोई ब्लॉग में बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए या आपका कुकिंग चैनल हो, गेमिंग चैनल हो, कोई भी चैनल में बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, या आप अगर वॉइस ओवर चैनल करते हो तो उसमें भी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक की जरूरत पड़ती है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा। और उस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था अगले किसी वीडियो में बात करूंगा बहुत सारे वेबसाइट के बारे में, जहां से आप वीडियो क्लिपिंग्स, म्यूजिक, इमेजेस, वीडियो क्लिप, लूप, एनिमेशन, ऐसे कॉपीराइट फ्री आप वहां से ले पाओगे अपने कंटेंट के लिए। तो आज मैं वो वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे वेबसाइट के बारे में जहां से आप अपने कंटेंट के लिए म्यूजिक, वीडियो क्लिप्स, एनिमेशन, इमेजेस, ये सारा कॉपीराइट फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौस्तव, आप देख रहे हो टेकी बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आप अगर एक डिजिटल क्रिएटर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, आपका एक यूट्यूब का चैनल है, आप अगर यूट्यूब के एक क्रिएटर हो, तो आपको जरूरत पड़ती है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, इमेजेस, एचडी इमेजेस, या मान लीजिए वीडियो क्लिप्स, वीडियो लूप, एनिमेटेड वीडियो, या कोई भी साउंड इफेक्ट। पर इसके साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि आप अगर ये सब यूज करते हो तो आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। तो उसीलिए मैं 10 बेस्ट वेबसाइट के बारे में आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। इन वेबसाइट से आप फ्री में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, वीडियोस, क्लिपिंग्स, फोटोज, एचडी इमेजेस, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट ले सकते हो और अपने कॉन्टेंट में यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम चले जाएंगे मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, तो देखिए कैसे ये वेबसाइट आपको फायदा देगा। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो पहला ही वेबसाइट जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसका नाम है isorepublic.com। तो इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो थाउजेंड्स ऑफ फ्री हाई रेजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री फोटोज एंड वीडियोज। बाएं तरफ आप ऊपर देखोगे फोटोज का ऑप्शन है और उसके बाद वीडियोज का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कैटेगरी भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कॉपीराइट फ्री फोटोज और वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं कोई भी फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने ये फ़ोटो ओपन कर लिया। आप दाहिने तरफ ऊपर आप देखोगे फ्री फॉर कॉमर्शियल यूज़, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड दिया हुआ है। तो कोई भी फ़ोटो या वीडियो डाउनलोड करने से पहले ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड दिया है कि नहीं। अगर एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड दिया रहता है तो आपको यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा जब भी आप यूज़ करोगे। तो नीचे आप देखोगे फ्री फ़ोटो डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये फ़ोटो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। और दाहिने तरफ आप ऊपर देखोगे सर्च बार भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप कोई फ़ोटोज़ या वीडियो सर्च कर सकते हो। तो हम एक बार वीडियोज़ ऑप्शन पे चले जाते हैं, तो यहाँ से कोई वीडियो डाउनलोड करने की ट्राई करते हैं। तो मैंने ये वीडियो चूज़ कर लिया। तो इस वीडियो में भी आप देखोगे दाहिने तरफ ऊपर फ्री फॉर कॉमर्शियल यूज़ लिखा हुआ है और नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, और नीचे फ्री डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो फ्री वीडियो डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे और ये वीडियो मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो को मैं एक बार चला के भी देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये वीडियो मैंने स्टार्ट कर लिया और ये मेरे कंप्यूटर में चल रहा है। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट से फ्री फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हो, आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा जब भी आप अपने कॉन्टेंट में इसको यूज़ करोगे। नेक्स्ट वेबसाइट पे हम लोग चले आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे वेबसाइट का नाम दिया हुआ है mazwai.com। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप फ्री वीडियो क्लिप डाउनलोड कर सकते हो और नीचे बहुत सारे कैटेगरी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। और नीचे आप देखोगे फ्री वीडियो क्लिप्स का ऑप्शन है, दाहिने तरफ ऊपर सर्च बार भी दिया हुआ है और दाहिने तरफ आप देखोगे ब्राउज ऑल क्लिप्स का भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कोई भी वीडियो सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड जो वेबसाइट के बारे में हम बात करेंगे, इसका नाम है cover.co।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूटीफुल फ्री स्टॉक वीडियो फुटेज, और ऊपर बहुत सारे कैटेगरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एक सर्च बार भी दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप कॉपीराइट फ्री वीडियो और इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो अपने कंटेंट में यूज़ करने के लिए, पूरे कॉपीराइट फ्री है। नीचे एक्सप्लोर कलेक्शन पे देखोगे आप बहुत सारे स्टॉक वीडियोस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फोर्थ जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करेंगे, इसका नाम है Videvo.net। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी ऊपर दिया हुआ है फ्री स्टॉक वीडियो फुटेजेस, ऊपर बहुत सारे कैटेगरी दिया हुआ है, नीचे सर्च बार दिया हुआ है, यहाँ से भी आप कोई भी वीडियोस या म्यूजिक ट्रैक सर्च कर सकते हो। तो सर्च बार पे यहाँ पे देखोगे एक कैटेगरी का ऑप्शन है ऑल वीडियोस में फुटेजेस और मोशन ग्राफिक्स, फिर म्यूजिक साउंड इफेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से, वो भी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री अपने कंटेंट के लिए। नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है पॉपुलर HD एंड 4K स्टॉक वीडियोज एंड ऑडियोज, मतलब यहाँ से आपको फुल HD क्वालिटी का और 4K HD क्वालिटी का भी वीडियोस मिल जाएगा। उसके अलावा इस वेबसाइट पे आप फ्री म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, सारे कॉपीराइट फ्री है। तो मैं यहाँ से कोई भी म्यूजिक ट्रैक चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे म्यूजिक ट्रैक का लिस्ट आ गया है। यहाँ पे दाहिने तरफ आप देखोगे कुछ कुछ म्यूजिक कॉपीराइट फ्री है और कुछ प्रीमियम का है। जो फ्री लिस्टेड दिया हुआ है उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, वो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। और अगर आप साउंड इफेक्ट्स ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको साउंड इफेक्ट्स का सारा लिस्ट। तो यहाँ पर भी आप देखोगे प्रीमियम और फ्री दोनों ऑप्शन है। जो फ्री लिस्टिंग है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके अपने कंटेंट पे। दाहिने तरफ डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, तो कोई भी एक फ्री डाउनलोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे दाहिने तरफ ऊपर आप देख सकते हो फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है रॉयल्टी फ्री और यूज़ इन ऑल प्रोजेक्ट्स एंड मीडिया। तो इसको आप डाउनलोड करके अपने कंटेंट में यूज़ करते हो, वो भी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री। अभी फिफ्थ जो वेबसाइट के बारे में हम बात करेंगे, इसका नाम है Videzy.com। तो यहाँ पर भी आप देखोगे दिया हुआ है फ्री HD स्टॉक फुटेजेस एंड 4K वीडियोस। तो यहाँ पर भी बहुत सारे कॉपीराइट फ्री वीडियोस का ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ कुछ प्रीमियम या प्रो वीडियोस है, उसको छोड़ के आपको बहुत सारे फ्री फुटेजेस या वीडियोस भी मिल जाएगा, उसको आप बिल्कुल डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो कॉपीराइट फ्री। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस भी मिल जाएगा कॉपीराइट फ्री, इसको भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। आपको मिल जाता है बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट टेम्पलेट्स भी। ऊपर सर्च बार दिया हुआ है और नीचे ब्राउज बाय न्यूएस्ट और ब्राउज बाय कैटेगरी का भी ऑप्शन है। अब हम छठा जो वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है Pixabay। तो Pixabay.com वेबसाइट पे आप देखोगे ऊपर दिया हुआ है स्टनिंग फ्री इमेजेस एंड रॉयल्टी फ्री स्टॉक। तो यहाँ से भी आप कॉपीराइट फ्री वीडियोस और इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर फोटोज, इलस्ट्रेशन, वेक्टर्स, वीडियोस और म्यूजिक का कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से भी आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हो वो कैटेगरी चूज कर सकते हो। और नीचे आप देखोगे बहुत सारे कॉपीराइट फ्री फोटोज, म्यूजिक और वीडियोस का भी ऑप्शन है। यहाँ पे एक सर्च बार दिया हुआ है, सर्च बार पे भी आप कोई भी इमेजेस, वीडियोस या म्यूजिक सर्च कर सकते हो। दाहिने तरफ एक ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप कैटेगरी सेट कर सकते हो, जैसे इमेजेस या वीडियोस या म्यूजिक, जो भी आपको ज़रूरत होती है। सातवां वेबसाइट के बारे में हम जब बात करेंगे, इसका नाम है lifeofvids.com। तो इस वेबसाइट भी आप देखोगे ऊपर एक सर्च बार दिया हुआ है, फ्री वीडियोस, क्लिप्स एंड लूप्स का भी ऑप्शन है। यहाँ से आप वीडियोस और लूप्स वीडियो क्लिप भी डाउनलोड कर सकते हो। दाहिने तरफ ऊपर आप देखोगे ऑल का भी ऑप्शन है, कलेक्शन का ऑप्शन है और फ्री पिक्स का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट करके कॉपीराइट फ्री वीडियोस, क्लिप्स, लूप्स या इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो अपने कॉन्टेंट के लिए। आठवां वेबसाइट के बारे में हम जब बात करेंगे, इसका नाम आ जाता है Dareful.com। तो यहाँ पर भी आप देखोगे फ्री स्टॉक वीडियो फुटेजेस इन 4K क्वालिटी। यहाँ पे सर्च बार दिया हुआ है और नीचे बहुत सारे कैटेगरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से भी आप अपना कैटेगरी चूज कर सकते हो। और नीचे आप देखोगे कॉपीराइट फ्री फुटेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप कोई भी वीडियोस या क्लिप डाउनलोड कर सकते हो कॉपीराइट फ्री। नौवा वेबसाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका नाम है splitshare.com। तो इस वेबसाइट पे भी आप देखोगे ऊपर बहुत सारे कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल एंड एक्सक्लूसिव फ्री स्टॉक फोटोज। तो यहाँ से भी आप कॉपीराइट फ्री फोटोज, वीडियोस या हाई रेजोल्यूशन इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो अपने कंटेंट के लिए। नीचे आप स्क्रॉल करके चले आओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा फोटोज, वीडियोस और इमेजेस का।
और ऊपर आप देखोगे कैटेगरीज में भी बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो अपने वीडियोस या फोटोज को डाउनलोड करने के लिए। अभी दसवां या आखिरी वेबसाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका नाम है wedistill.io। इस वेबसाइट पे भी आप देखोगे आपको कॉपीराइट फ्री वीडियोस डाउनलोड करने का और रीयूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है फॉर क्रिएटिव्स क्यूरेटेड HD वीडियो फ्री फॉर योर पर्सनल एंड कॉमर्शियल यूज। तो दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने 10 वेबसाइट के बारे में बात किया, पर आपके लिए मैं और 2 बोनस वेबसाइट के बारे में भी बात करूंगा। तो हम बात करेंगे pixel.com के बारे में। तो आप देख सकते हो pixel.com में भी दिया हुआ है द बेस्ट फ्री स्टॉक फोटोज एंड वीडियो शेयर्ड बाय टैलेंटेड क्रिएटर्स। तो इस वेबसाइट से भी आप कॉपीराइट फ्री फोटोज और वीडियोज डाउनलोड कर सकते हो अपने कंटेंट के लिए। ऊपर दिया हुआ है सर्च बार, यहाँ से भी आप कोई भी फोटोज और वीडियो सर्च कर सकते हो, और नीचे आप स्क्रॉल करते आओगे तो यहाँ पर आपको फ्री स्टॉक फोटोज मिल जाएगा। तो ऊपर आप देखोगे होम डिस्कवर वीडियोस लैडर बोर्ड चैलेंजेस बहुत सारे कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ से आप कोई भी कॉपीराइट फ्री फोटोज डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियोस ऑप्शन पे भी आप आओगे तो यहाँ पर भी द बेस्ट फ्री स्टॉक वीडियो शेयर्ड बाय पिक्सेल कम्युनिटी, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको बहुत सारे कॉपीराइट फ्री वीडियो क्लिप्स। तो यहाँ से भी आप अपने कंटेंट के लिए फ्री में कॉपीराइट फ्री वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट बोनस वेबसाइट के बारे में हम बात करेंगे, और ये वेबसाइट बाकी सारे वेबसाइट से थोड़ा अलग है। बाकी सारे वेबसाइट में हमने जब देखा वहाँ से हम लोग फ्री में फ़ोटोज़ हाई रेजोल्यूशन इमेजेस वीडियो क्लिप्स लूप्स स्टॉक फुटेजेस या म्यूज़िक या साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री में डाउनलोड कर सकते थे अपने कंटेंट के लिए। तो इस वेबसाइट पे आप देखोगे जिसका नाम है vidalrai.com, इस वेबसाइट से आप कॉपीराइट फ्री एनिमेटेड वीडियो क्लिप्स डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ये एक फिक्स्ड कैटेगरी का है जहाँ से आपको मिल जाएगा बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो क्लिप्स। तो आप देखोगे नीचे बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो क्लिप्स का लिस्टेड दिया हुआ है, यहाँ से भी आप कोई भी एनिमेटेड वीडियो क्लिप्स डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री। पर जब भी आप कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिप्स साउंड इफेक्ट या म्यूज़िक यूज़ करोगे, आप डाउनलोड करने के टाइम ध्यान रखोगे वहाँ पर नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है कि नहीं। अगर नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड लिखा रहता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर वहाँ पर लाइसेंसिंग या एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड का मेंशन किया हुआ है तो उसे आप कॉपीराइट फ्री यूज़ तो कर सकते हो, पर वहाँ पे आपको क्रिएटर को क्रेडिट देना पड़ता है, ये बात सिर्फ आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप इस सारे वेबसाइट से बिल्कुल कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक वीडियोस एनिमेटेड क्लिप्स या कोई भी वीडियो क्लिप लूप्स फोटोज़ हाई रेजोल्यूशन इमेजेस साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो अपने कॉन्टेंट के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया 10 बेस्ट वेबसाइट के बारे में और 2 बोनस वेबसाइट के बारे में भी मैंने आपको बताया। ये सारा वेबसाइट यूज करके आप अपने कंटेंट के लिए या आप अपने YouTube चैनल के वीडियो क्रिएशन के लिए कॉपीराइट फ्री म्यूजिक वीडियो इमेजेस साउंड इफेक्ट एनिमेशन या वीडियो लूप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारे होंगे कॉपीराइट फ्री। पर यूज करने के पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी म्यूजिक वीडियो या इमेज डाउनलोड करने से पहले आप थोड़ा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। वहां पे अगर नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ होता है तो आप बिंदास यूज कर सकते हो, पर कहीं कहीं ये भी होता है कि ये सारा कॉपीराइट फ्री आप यूज तो कर पाओगे पर वहां पे आपको क्रिएटर को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो वहां पे आप थोड़ा देख लीजिएगा कि वहां पे लाइसेंस या एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड मेंशन किया हुआ कि है कि नहीं। अगर मेंशन किया हुआ है तो आप इसे यूज करो, पर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको क्रेडिट भी साथ में दे दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मेरे शूट के टाइम जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करता हूँ उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको अगर जरूरत होती है तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके आप परचेज भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो में जहां सीखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में नया कुछ, क्योंकि
ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सारा वेबसाइट आपको कैसा लगा और सारे वेबसाइट में बेस्ट आपको कौन सा लगा जिसे आप यूज करके अपना कंटेंट बना पाओगे। आपके पास अगर कोई टॉपिक्स में वीडियो बनाने का सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि ये नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।